लेटस ट्राई टू नाव स्टूडेंट लेटस ट्राई टू हेव डिस्कशन ऑन हाउ वी कैन यूज कर्सर तो एक्सप्लेट कर्सर जैसा रिक वो कर्सर जो यूजर खुद क्रिएट करता है यूजर खुद मेंटेन करता है यूजर खुद प्रोसेस करता है यूजर खुद कंट्रोल करता है और यूजर खुद ही, ही इसे क्लोज करता है तो so, ये यूजर डिफाइन कर्सर है जिसको हम लोग एक्सप्लेट कर्सर बोल रहे हैं सो लेटस सी द कोड कि हाउ वी कैन यूज इट तो नाउ जिससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो कर्सर है इट इज नथिंग मोर देन अ नेम्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब नेम्ड क्यूरी नेम सिलेक्ट स्टेटमेंट और ये इसके चार स्टेप थे जो पहला स्टेप है वो इसको डिक्लेयर करना है सो डिक्लेशन सेक्शन में लिखा मैंने कर्सर सी वन सी वन इज द नेम एंड कर्सर इज अ क्यूवर्ड इज ये भी क्यूवर्ड है उसके बाद एक वैलिड सिलेक्ट क्यूरी और यहां पे क्यूरी लिखते वक्त अब आपने ये दिमाग से निकाल लेना है कि क्यूरी मेरी एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है या नहीं अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई है उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए ही हम लोग कर्सा यूज कर रहे हैं तो सिलेक्ट ई नेम कॉमन जॉब फ्रॉम ई एम पी वेर डीईपीडी नंबर इक्वल टू टेन तो ये सिलेक्ट क्यूरी दो कॉलम रिटर्न कर रही होगी पहले कॉलम का नेम है ई e नेम दूसरे का नाम है जॉब और वो सारी रोज सिलेक्ट हो रही होगी जहां पे डिपार्टमेंट नंबर टेन है इट कैन बी मोर देन वन एक भी हो सकती है दस भी हो सकती है बट वी आर नॉट वेड नाउ तो पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप मैंने दो अवेलेबल डिक्लेयर किए नेम और डेजिग्नेशन तीसरा स्टेप अब मैं बिगिन में आया और मैंने उसी कर्सर को ओपन कर दिया बाय राइटिंग ओपन वन एंड सेमी कॉलन जब ओपन सी वन लिखा है मैंने तो जो क्यूरी थी वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गई और डेटा जो है वो मेरे पास फ्रॉम हार्ड डिस्क इन टू द रैम वो फैच होके आ गया ये दूसरा स्टेप है तीसरा एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप लूप एक बेसिक लूप लगाया फैच सी वन इन नेम कॉमा डेग्नेशन दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट सी वन इज द नेम ऑफ माइ कर्सर एंड सी वन इन टू नेम कॉम डेजिग्नेशन मीन रैम में जो जितनी भी रोज रिटर्न हुई है आई डोंट केयर एक है सौ है पहली रो पे सी वन पॉइंट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहली रो में दो कॉलम है एक नेम का कॉलम है एक और मतलब एक इनियम का कॉलम है और एक जॉब का कॉलम है मेरी क्यूरी के अंदर तो मैं पहली जो रो है उसका ई नेम कॉपी कर रहा हूं इंटू माई लोकल वेरिएबल दिस नेम और जो दूसरी क्यूरी का कॉलम है जॉब उसको मैं कॉपी कर रहा हूं लोकल वेरिएबल डेजिग्नेशन तो पहली रो फ्रॉम द कर्सर मतलब फ्रॉम द रैम वहां से कॉपी होकर मेरे पास मेरे लोकल वेरिएबल नेम कॉमा डेजिग्नेशन में आ गई यहां पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि सी क्योंकि अब एक क्यूरी है और वो दो कॉलम रिटर्न कर रही है तो इन के बाद

लोकल वेरिएबल लिखने पड़ेंगे जितनी मेरी क्यूरी रिटर्न कर रही है तो इस फैच की वजह से फर्स्ट रो फ्रॉम द रैम इज लोडेड इन टू माई लोकल नेम एंड डेजिग्नेशन सो और लूप लगा हुआ है लेट्स प्रोसीड उसके बाद मैंने लिखा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉटपुटोर लाइन नेम और फिर मैंने name, जो लोकल वेरिएबल है दिस वन उसको डिस्प्ले करवा दिया तो जो डाटा मेरा रैम से नेम के कॉलम में लोड लोकल वेरिएबल नेम में कॉपी हो गया वो डिस्प्ले हो जाएगा लाइकवाइज डेजिग्नेशन भी मेरा लोकल वेरिएबल है तो जो जॉब का कॉलम था क्यूरी के अंदर वो कॉपी हो गया डेजिग्नेशन में और यहां पर मैं डिस्प्ले करवा दिया डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉटपुट अंडर स्कोर लाइन सो नाउ हेयर इज अच सी वन परसेंटेज रो काउंट नाउ दिस इज नो मोर एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट क्योंकि एसक्यूएल हमारा कर्सर था एंड सी वन इज नाउ यूजर डिफाइन कर्सर तो यहां मैं अब SQL नहीं लिखूंगा सी वन परसेंटेज करंटर है उसमें से जितनी भी रोज फैच हो चुकी है उसका रोक आउट आ रहा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी वन देन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एंड मैंने लूप को ब्रेक करना है एग्जिट वेन सी वन परसेंटेज नॉट फाउंड क्योंकि हमें यह पता है कि जो फोर का जो बेसिक लूप है वो ट्रू पे एग्जिट कर जाता है तो जब पहली रो फैच हो जाएगी कर्सर में से और प्रोसेस कर ली हमने तो जब नेक्स्ट रो फेच करने जाएंगे अगर तो रैम में अगली रो पड़ी होगी तो नॉट फाउंड फॉल्स होगा क्योंकि रो उसको मिल जाएगी अगर हम लास्ट रो पे होंगे तो नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा अभी हम ये करते हैं कि तीन रोज फेच हुई थी और नॉट फाउंड है ये अभी फॉल्स है यहां से कंट्रोल वापस हमारे पास लूप में आएगा और लूप में आने के बाद ये फेच सी वन जो हमारा कोड है तो फेड से हमारा जो अगली अल्ट्रेशन है वो हमारे पास नॉर्मल लूप में दोबारा यहां पे आ गई और अगली रो जो नेम है यानी जो ई e नेम है हमारे पास अगली रो का वो कॉपी हो गया लोकल वेरिएबल नेम में और जो अगली रो में जॉब पड़ी हुई है वो कॉपी हो गई डेजिग्नेशन में एंड द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एज एज प्रीवियसली फर्क सिर्फ ये है कि जब हम लोग आखिरी रो पे पहुंचे होंगे तो उस वक्त ये नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा तो जब नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड इफेक्टिवली हम सारी की सारी रोज को प्रोसेस कर चुके होंगे और जो एंड में लूब के बाद मैंने रोकआउट लिखा है यह मैंने ये डिस्प्ले कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज मैंने कितनी प्रोसेस की है सो लेटस ट्राई टू डू एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोट सो ओके सो लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस चंक ऑफ कोट फ्रॉम हेयर टिल्स फर्स्ट पार्ट एंड माई नेक्स्ट पार्ट ओके okay. सो so, अब मैं इसको यहां पे रन करता हूं लेट मी रन दिस कोड एंड लेट सी व्हाट इट विल डिस्प्ले। ओके, तो इसने नेम दिखाया अ किंग डेजिग्नेशन दिखाई अ वन रो इज प्रोसेस्ड वन रो का मैसेज यहां से आ रहा है ये रो काउंट है वन फिर अगली रो है नेम नेम से आ रहा है क्लार्क यानी अगली रो फैक्ट्री डेजिग्नेशन उसके मैनेजर है अब यहां पे देखें ये जो टू आ रहा है तो अगली दफा रो काउंट से आ रहा है यानी जब एक चले था, तो पहली रो फैच हुई थी रो काउंट था वन नेक्स्ट टाइम लूप हुई तो काउंट हो गया टू इस रो काउंट का रख रहा है जो रैम से लोड होके या रैम से फैच होके लोकल वेरिएबल में मेरे पास आ गई है एंड आई एम यूजिंग दम और यहां देखे मेरे पास अब सारे का सारा टेबल मैंने यहां पर प्रोसेस कर दिया एंड दिस इज इट यानी मुझे कोई भी क्यूरी में ब्रेक नहीं लगाना पड़ा यानी डीपीटी टेन के अगेंस्ट जितनी भी रोज पड़ी हुई थी वो मैंने प्रोसेस कर ली है एंड नाउ यू कैन सी नाउ वी आर हैंडलिंग मोर देन वन रो एंड क्रक्स ऑफ यूजिंग द एक्सप्लिस मल्टीपल रोज को सम हाउ हैंडल कर सके एंड दिस इज द वेरी बेसिक करसर क्यूरी जिसकी मदद मतलब से हम मल्टीपल रोज को पीएलएसक्यूएल में हैंडल कर सकते हैं